एक तो ये बड़ी बैटरी डाल रखी है सही में यार, इसकी बैटरी छोटी आती है। तो भाई गुड मॉर्निंग, गाड़ी थोड़ा दिखाने चल रहे हैं अभी हम, तो इसमें हो रही प्रॉब्लम थोड़ी। नहीं ना गर्म बहुत रखी है, मेन क्या ना इसमें भाई साहब थोड़ी बहुत पीछे से आवाज़ आ रही है, कल जाना है अहमदाबाद सी एस के या जी टी का मैच है वो देखने के लिए, तो नई नो लेके जाएंगे हम लोग। चालू हो जा, अभी तो हो गई चालू और ये भी ठीक हो गया, कल पता नहीं क्या ही हो गया था। वाह भाई ऐसे चलाओ, हाँ टाटा पीछे कुछ है तो नहीं, हाँ चल भाई साहब बहुत ज़्यादा तेज गर्मी है भाई सच में, मेरे को वैसलीन भी लगवानी पड़ेगी उसके अंदर ताकि वो दिक्कत ना करे, थोड़ा बहुत सेटअप करवा के अभी आएंगे ताकि कल प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि थोड़ा वही है यार अहमदाबाद जाना है हाईवे पे, अभी वहाँ पर दिक्कत ना हो बस ऐसी, इसके लिए थोड़ा इसका एयर फिल्टर वगैरह भी क्लीन करवा देते हैं क्योंकि सर्विसिंग बाकी, ऑयल चेंज करना है लेकिन ऑयल चेंज आज नहीं कर पाऊँगा मैं, बाद में करूँगा वो चीज़। लाइनर का आवाज़ है, ये तो लाइनर का आवाज़ है, और चलते चलते यहाँ से सीटी जैसी आवाज़ आती है लेकिन वो अभी आ नहीं रही है। नहीं आ रहा, हाँ अभी जो आया था ना वो एयरपोर्ट वाला है, अच्छा है लेकिन इस बार नहीं कर पाया, तो ये देखो भाई क्या हाल चाल हो रखे इसके बैटरी है। एक तो ये बड़ी बैटरी डाल रखी है सही में यार, इसकी बैटरी छोटी आती है, वही तो इससे पहले वाली जो पड़ी है ना मैंने उसी हिसाब से पढ़वाई, पर इसकी जो रह गया और इतना वही फिटिंग वाली आती है ना वो छोटी आती है। हाँ कैसा जमा है इसमें भाई साहब, गाड़ी की हालत इतनी ख़राब है क्या बोलूं, मतलब इसे पीछे वाले लाइनर है ना वो चेक कराने पड़ेंगे क्योंकि ब्रेक जो है अपने कुछ ही ब्रेक लग रहे हैं, आगे वाले ही ब्रेक लग रहे हैं, पीछे वाले कम लग रहे हैं, प्रॉब्लम ये हो रखी है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई मैंने बहुत दिन से इसका कूलेंट नहीं चेक किया था, वो कूलेंट का पानी एकदम खाली हो रखा है, ऐसी चल रही है, तभी थोड़ा दिक्कत दे रही थी, आज मैं इसको सब कुछ सेट कर दूँगा, और बैटरी का जो प्रॉब्लम था ना बार बार बंद हो जाती थी का सोल्यूशन आज हम लोग कर रहे हैं। तो भाई सीट हटा दी है, वरना सीट नहीं हटाते तो बड़ी दिक्कत हो जाती है इसको करने में, फर्स्ट टाइम तो सीट हटाई, इसकी हालत देखो कैसी हो रखी है अंदर से है, ये देखो पूरा का पूरा वो कर रखा है, इसकी साफ सफाई करके अच्छे से, और ये टर्मिनल को अच्छे से लगा के फिर लगाना पड़ेगा, टूट भी गया ना टर्मिनल देखो ना इसकी वजह से, अरे फ्यूज भाई और जरा टर्मिनल, आई नहीं है ये, आएगा ही नहीं ऐसा, यहाँ पे लाने लगे उसको है। सही है अभी तो आज आया है, छुट्टी है तो साइकिल लेके वहाँ से घर से इतनी दूर से, हाँ ब्रिज कैसे चढ़ा है इसमें साइकिल पे बैठ के, अरे भाई मैं तो आज मतलब इसे बैठाना पड़ेगा बस, अब कुर्सी लगा देने की और कुछ ऐसा है ऐसे ही रखने का इसको, जुगाड़ देखो भाई जुगाड़, हाँ रबर बस, अब ये ना तार लेके यहाँ से ऐसा इसको बांध दूँ, नहीं बांधूंगा नहीं गया, नहीं नहीं ऐसे रख बांधूंगा तो ये यार में टच होगा वायर, ये देखो भाई एयर फिल्टर, जमीन पर झटक गया
ऐसा आड़ा आड़ा। कितना धूल है इसमें? एयर नहीं है, एयर वगैरह नहीं है। तो ये इधर धुल भी नहीं सकते इसको, एक तो अंदर खोलना पड़ता है, वहाँ बाहर होता तो ये इंजन भी धुलता रहता, बराबर साफ रहता। ये लग गया है, इसको थोड़ा ऊपर रख दिया है, सेट है ना, अब तो ये हिलेगा नहीं वैसे भी, है नहीं। अभी इसमें कूलेंट डाल रहे हैं बोश का, और पहले ना इस काम करेंगे पूरा पूरा, गर्मी ज़्यादा है। वैसे पानी से काम चल सकता था, लेकिन अगर गर्मी नहीं होती तो, गर्मी ज़्यादा है तो पूरा कूलेंट डालेंगे और इसमें जो एक्सेस पानी है वो निकाल देंगे। चलो देखते हैं क्या होता है। ये तो हो गया, तो निकलना बाकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत जितना था उसी में चल रहा था ये। चलो पहले जेलान खा वाले इंजॉय करने के लिए खावे नहीं चाहिए। हाँ खावे यूट्यूब पे डालूँगा। कूलेंट डाल दिया भाई, बैटरी एकदम सही कर दी है, एयर फिल्टर क्लियर कर दिया, ऑयल चेंज करना है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीक में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है और समझ रहे हो ना। चलो करते हैं उसको नेक्स्ट टाइम पे, बढ़िया करवा देंगे। लेकिन अब वो हाँ बैटरी परेशान कर रही थी, होपफुली अब परेशान ना करें, कल का टाइम सबसे बढ़िया निकल जाए। बढ़िया कल जा रहे हैं मैच देखने, उसका वीडियो आएगा नेक्स्ट टाइम, तो जरूर देखना, कल बड़ी लंबी राइड होने वाली है, होप सो अच्छा आ रहा है। कम आवाज कर रही है पहले से, आवाज़ तो कम कर रही है पहले से। पेट्रोल तो क्रू ड्राइवर, ये देखो भाई मेरी जब एक्सीडेंट हुआ था तो इस तरीके से हुआ था, अब ये ठीक कराना है मेरे को। रिम हॉर्न एक बार चेक कर लेते हैं, उसका स्टेयरिंग वगैरह भी ओपन करके देख रखा है अभी, तो वो चेक कर रहे थे, स्टेयरिंग हो गया ओपन। कलाकारी है भाई इसमें भी, ये क्या है ऐसा दबता है। भाई रेडी हो गई गाड़ी अपनी ऐसे तो, और कूलेंट डलवाना था वो डलवा दिया मैंने, अब ये सब जो हो गया अपना कंप्लीट हो गया। हॉर्न है जो नहीं हुआ अपना, बाकी सब कंप्लीट हो गया। 400 रुपीज़ लगे कूलेंट वूलेंट के साथ, और जो फ्यूज़ और सब आया था वो आया था मेरा 350 रुपये का टर्मिनल, और दो फ्यूज़ आए थे 140 रुपीज़ के, तो ये सब मिला के जो भी है खर्चा मेरा हुआ है, बाकी तो अभी सेट है। एक चीज़ जो प्रॉब्लम थी वो थी अपना क्या थी, अपना आवाज़ आ रही थी जो, वो तो ससरा नहीं हो पाया, आवाज़ ही नहीं आ रही अभी इसके अंदर, बाकी तो अभी तो बेटर है। चलो पावर भी खड़ा खाया, खींच रही है अभी गाड़ी, उस टाइम पे तो गया भाई पूरा एकदम गाड़ी के अंदर क्या हो गया था वो, एक तो पानी नहीं था, ओ भाई 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 पानी नहीं था, दूसरी बात इसके अंदर कूलेंट भी ख़त्म ही हो गया था सब कुछ, और उसके साथ साथ आवाज़ ही बहुत करने लगी थी। अभी एसी के साथ ये अच्छा खींच रही है, एयर ले पा रही है ना इंजन, और कूलेंट भी डाल दिया पूरा प्रॉपर, पहले पानी और कूलेंट मिक्स डाला था, अभी ये भी मिक्स डाला लेकिन बहुत सारा कूलेंट डाला इसके अंदर अभी, तो होपफुली अभी ये इंजन अच्छा परफॉर्मेंस दे, बेटर है। ये था भाई गाड़ी का, बहुत दिन बाद आप लोगों से अपने अपडेट मिल पाया होगा, बट भाई कल जाना है तो इसके लिए गाड़ी एकदम कंप्लीट रेडी कर दी है, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। इधर तो बड़ा भाई ये क्या ट्रक व्रक आ रखा है, एक तो हॉर्न भी नहीं है इसके अंदर। चलो मैं निकाल लेता हूँ भाई, ऐसे जेसीबी एसीबी सब निकल रही है यहाँ से।
भाई साहब चलने में इतनी प्यारी हो गई ना ये, क्या पावरफुल परफॉर्मेंस दे रही है। पुल जो ले रही ना भाई, पुल फील हो रहा है इसमें अभी कम टाइम यार, इसको देखते रहना पड़ेगा। ये बीच में है ना, मैंने एक डेढ़ महीने में इसको ढंग से टाइम दे नहीं पाया इसकी वजह से। सोच है क्या है भैया, तो रही थी तुम?